उठ जा उठ जा उठ, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। बड़ा ही कमाल का रिंगटोन फिट कर रखा है। सेक्रेटरी बाइली को उसके बॉस का फोन आया है, जो उसे हुक्म देता है कि मेरे लिए 2 पराठे, 1 हाफ फ्राई एग और ऑरेंज जूस लेके आओ। ओके बाय। 7:30 बज चुके हैं, जल्दी से जाना होगा। उसे नाश्ता नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, भाग। बड़ा ही जालिम बॉस है, हर काम अपनी सेक्रेटरी से कराता है। मेरा नाम बाइली है, आज वैलेंटाइंस डे है, पर पिछले हफ्ते ही मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये बोल के कि मैं बिजी रहती हूँ। कोई बात नहीं, वो था ही धोखेबाज, अच्छा हुआ जान छूटी। दूसरी तरफ बॉस साहेब, जिनका नाम जिन शिन है, जैसा नाम वैसे काम, ये किसी जिन बूस से कम नहीं। एक सेकंड की भी देरी इसे पसंद नहीं। थैंक्स गॉड, बैरी पहुंच जाती है उसके पास और उससे कहती है कि सर जी, ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि तुम 12 सेकंड लेट हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से 1200 कट। ये बोल के वो दफा हो जाता है। बाइली सोचती है कि कमीने इंसान, कल तुझे नाश्ते में जहर डाल के दूंगी, तू तो गया। बेचारी बाइली, उसकी ड्राइवर भी है, वो उसे ऑफिस पहुंचाती है। वो उसे कहता है कि ये लो, मेरी भूख मिट गई। जब वो जा रहा होता है तो तभी बाइली उसके पास आती है और उसका हाथ रोमांटिक वे में पकड़ लेती है। भाई साहब को शर्म आने लगी है, वो तो कुछ और ही सोच रहा है, पर वो उससे कहती है कि सर जी, आपके शर्ट का बटन रह गया था, वो लगा दिया। ये सुन के वो शर्मिंदा होता है। कमीना चाहता है कि मैं स्विमिंग करना सीखूं, कल तो मैं मरते मरते बची थी, बचाओ बचाओ मैं डूब रही हूँ। ये सुन के जेन शिन स्विमिंग पूल में कूद पड़ता है और उसे बचा के कहता है कि मैंने सीखने को कहा था, खुदकुशी करने को नहीं। जेन शिन उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, मेरे लिए नूडल्स लाओ, वरना। वो भागती है, इसी दौरान वो गिर पड़ती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सोचती है कि मैं भी कहाँ फंस गई। जब वो आंखें खोलती है तो खौफनाक भूत की तरह जिन जिन उसके ऊपर खड़ा होता है। उसे अचानक देख वो डर जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने नहीं आया, ये पूछने आया कि तुमने डॉक्यूमेंट्स रेडी क्यों नहीं किए। वो सोचती है कि पता था ये कमीना यही बोलेगा, करना पड़ेगा वरना ये फिर से आ टपकेगा। एक ईमेल आई है, वाह क्या बात है, बाइली को एक और कंपनी से सेक्रेटरी बनने का ऑफर आया है, सैलरी भी अच्छी है, पर आज तो इंटरव्यू देने का लास्ट डेट है, 2 घंटे बचे हैं। ओ नो, मैंने मिस कर दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं, उस साइको के साथ रह के मैं भी पागल हो जाऊंगी। काश ये मेल मैंने पहले देख लिया होता। ऐ मेरे खुदा, मुझे एक और चांस दे प्लीज, मेरी दुआ कबूल करे। तभी उसे बॉस का फोन आता है, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं भेजे, जल्दी करो। बेचारी बाइली, रात के ठीक 12 बजे उसकी दुआ कबूल होती है, वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंचती है। ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आज 14 तारीख है, मतलब कि मुझे एक और चांस मिला है। बाइली बिलीव नहीं कर पा रही, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। ये जान के वो बड़ी ही खुश होती है और फटाफट काम निपटा के खुद से कहती है कि आज से होगी नई शुरुआत, मैं रिजाइन लेटर उसके मुंह पे दे मारूंगी। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो उससे कहती है कि बॉस बहुत हो गया, मैं रिजाइन कर रही हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें प्यार में धोखा मिला है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, जॉब छोड़ोगी तो और भी दुखी हो जाओगी, जस्ट कंटिन्यू इट। वो कहती है कि इसे जॉब कहते हैं, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, ये लो लेटर और साइन करो। वो कहता है कि भूल जाओ, ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। बाइली उसके पीछे जाती है और उसे रोक के कहती है कि प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। वो लेटर लेके भार देता है और उससे कहता है कि फिर से कभी मत कहना, रिटायरमेंट के बाद ही तुम्हें यहाँ से आज़ादी मिलेगी। वो कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं। तभी कुछ बुरा होता है, लिफ्ट क्रैश होने की वजह से वो दोनों इंजर्ड होते हैं। जब वाली होश में आती है तो दूसरी कंपनी का बंदा उसे कहता है कि हमें ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिलेगा। जिन शिन भी उसके बाजू वाले बेड पे पड़ा हुआ है, वो उसे कहने लगता है कि तुम उसे ना बोलो। ये सुन के वो कहती है कि इससे मेरी जान क्यों नहीं छूटती, क्या किस्मत है मेरी।
फिर से 12 बजते हैं, टाइम रिसेट होता है, वो पहले जैसी बन गई है। बायली खुश है क्योंकि वो पैरालाइज नहीं हुई, पर खतरनाक बात ये है कि जब तक उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो टाइम लूप में फंसी रहेगी। ये जान के उसकी परेशानी में इजाफा होता है। ऑफिस पहुंच के लिफ्ट के बजाय वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है ताकि उसका काम फिर से तमाम ना हो। यहाँ पे एक हैंडसम बॉय भी जॉब करता है, वो शायद बायली को लाइक भी करता है। इसका नाम चूचू मूचू है। वो बायली को डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। तब ये बॉस आ जाते हैं, पर ये साहब तो बिल्कुल भी नहीं सुधरे, वैसे के वैसे हैं। बायली को कैसे भी करके इससे रिजाइन एक्सेप्ट कराना होगा। वो उससे कहती है कि बॉस, आपका हॉरोस्कोप मैंने पढ़ा है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। वो कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स, पर आईडी कार्ड में मेरा बर्थडे गलत लिखा है, कुछ और अच्छा बताना है तो बताओ। इससे भी बात नहीं बनी। बायली की हर कोशिश नाकाम हो रही है। स्टूपिड बॉस उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसी रात वो और चूचू मूचू साथ में डिनर कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम दुखी लग रही हो। वो कहती है कि उस कमीने के होते हुए मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। तभी उसे बॉस का फोन आता है। वो उसे पीडीएफ सेंड करने को बोलता है। बायली फौरन ही उसे सेंड कर देती है। उसकी स्पीड देख जिनशिन बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि मेरी सेक्रेटरी कितनी ग्रेट है, हर काम बखूबी कर लेती है। वो उसे कॉल करता है पर बायली नहीं उठाती, जिसके बाद वो सोचता है कि उसने तो कभी मेरी कॉल मिस नहीं की, आज क्या हुआ उसे। फिर क्या, वो उसका इंस्टाग्राम खोल के उसकी जासूसी करने लगता है। ये क्या, बायली किसी और मर्द के साथ है? मैं यहाँ पे बैठ के जलील हो रहा हूँ और वो डेटिंग शेटिंग कर रही है। जिनशिन को गुस्सा चढ़ गया है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से निकल पड़ता है ताकि बायली के पास पहुँचे और उसे सबक सिखाए। दूसरी तरफ डिनर इंजॉय करने के बाद बायली चूचू मूचू को टाटा बाय बाय कहती है। इसका दिल तो खुश हो गया। पर तभी बायली को जिनशिन की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। वो कहती है कि परफेक्ट, मुझे भी करनी है तुमसे सीरियस बात। दरअसल वो ये सोच रही है कि बॉस उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाला है। इससे पहले कि जिनशिन वहाँ पहुँचता तभी 12 बज जाते हैं, टाइम रिसेट होता है। फिर से वही दिन, कब तक ये चलेगा, मैं थक चुकी हूँ, ये तीसरी बार है, मैं कैसे रिजाइन करूँ। बायली को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी जवानी खत्म होती जा रही है, कब शादी करोगी। वो कहती है कि मॉम चुप करे, मैं ऑफिस में हूँ। तभी जिनशिन उसके बेहद पास आता है और उससे कहता है कि ऑफिस में प्राइवेट बातें मत किया करो। छोकरे को देखते ही मॉम बेहद खुश होती हैं और उससे हाय कहती है। जिनशिन के जाने के बाद मॉम उससे कहती है कि वाओ मेरी बेटी, तुसी ग्रेट हो, लड़का तो काफ़ी हैंडसम है, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया, पर तुम तो अपने बॉस से नफरत करती थी। ओ आई अंडरस्टैंड, हेट के बाद ही लव होता है। वो कहती है कि मॉम ये इम्पॉसिबल है, बाद में बात करेंगे, बाय। उसके बाद जिनशिन बायली को बुला के उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, इस बात को गलत मत समझ लेना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। वो कहती है कि ओके बॉस, मुझे भी कोई शौक नहीं, बाय। चूचू मूचू का दिल बायली पे आ गया है, वो तो उसके ख्यालों में खोया हुआ है। वो फिर से उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। हर रोज टाइम रीसेट होने का कोई तो फायदा है, फ्री में डिनर। ब्यूटीफुल गर्ल जिया जो न्यू एरा कंपनी में एडवाइजर है, वो आज यहाँ पे आई है। उसकी नजर जिनशिन पे है, पर जिनशिन की नजर बायली पे है। डिनर की बात सुन के वो उससे कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, आ जा तुम मेरे साथ हो। बेचारी बायली उसे हाँ बोलती है, इसके अलावा वो कर भी क्या सकती है। काम निपटाने के बाद जिनशिन डिनर करने के लिए बैठता है और बायली से कहता है कि तुम भी बैठ जाओ। बायली का प्लान कुछ और है, वो पिला पिला के उसे इतना मदहोश करना चाहती है कि वो उससे रिजाइन लेटर साइन करा ले, यही बेहतरीन वक्त है। बायली उससे कहती है कि बॉस ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इस पे साइन कर दो। जिनशिन उससे कहता है कि बायली मुझे छोड़ के मत जाओ, पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो सोचती है कि भाड़ में जाए इसका दिल, जल्दी से साइन कराना होगा वरना 12 बज जाएंगे। इसे
पिलाना तो गले पड़ गया। ये साहेब तो रोमांटिक मूड में आ गए। इससे पहले कि उसकी इज्जत वहाँ पे आ जाए, उसे सुला के बायली वहाँ से भाग निकलती है। पर एक बात तो है, वो ये कि बायली उसके बारे में ही सोच रही है। वो खुद से कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं, वो होश में नहीं था तभी ऐसा बोला होगा। 12 बज गए, फिर से टाइम ट्रेवल। बायली सोचती है कि अब मैं उसे इतना बेजार करूंगी कि वो खुद ही मुझे निकाल देगा। मीटिंग के दौरान वो जाके जिनशिन को अमेरिकानो कॉफी देती है, ये सोच के कि उसे गुस्सा आएगा, चिढ़ जाएगा। पर भाईजन उससे कहता है कि वाह क्या कॉफ़ी है, एक कप और लेके आओ। ये प्लान भी फ्लॉप हुआ। मीटिंग एंड होने के बाद जिनशिन उससे कहता है कि तुम वाकई में कमाल हो, मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ के तुमने कॉफ़ी चेंज कर दी, मतलब कि तुम्हें मेरी फिक्र है, वेल डन। बायली सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, सब उल्टा हो गया। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं उसे गुस्सा दिला के रहूंगी। जिनशिन की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे 1 घंटे में वहाँ पहुँचना होगा। पर बायली का प्लान कुछ और है, वो उसे टाइम पे वहाँ पहुँचाना नहीं चाहती, गलत रास्ते पे निकल पड़ती है। एहसास होने पे वो पूछता है कि हम अब तक पहुँचे क्यों नहीं। वो कहती है कि सॉरी सर, रास्ता भूल गई थी। ब्रेकिंग न्यूज, बीजिंग हाईवे पे कारों का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से वो रोड बंद है। ये दोनों भी वहां से गुजरने वाले थे। न्यूज सुन के जिनशिन उससे कहता है कि वाओ तुम तो नॉस्ट्राडामस निकली, मुझे बचा लिया। वहां पहुंच के जिनशिन जिया से कहता है कि हम लेट हो गए, इसके लिए सॉरी। वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम टाइम पे नहीं आए, जिस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो कंपनी फ्रॉडिया थी। ये जान के जिनशिन सबसे कहता है कि बायली ने हमें बचा लिया, वरना 10 मिलियन जाया हो जाते। सब के सब इस महालेडी के लिए क्लैपिंग करो, आज इसने मेरी जान भी बचाई और कंपनी भी। सोचा क्या हुआ क्या, बायली तो सदमे की हालत में है। मौका दे के चूचू मूचू बायली को फिर से डिनर के लिए इनवाइट करता है, पर ये बात भाई साहब सुन लेते हैं। वो फौरन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें रिवॉर्ड तो नहीं दिया, आज तुम प्रेसिडेंट के साथ डिनर करोगी, यानी मेरे साथ। वो पूछती है कि बॉस कहाँ पे चलेंगे। वो कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो, सेक्रेटरी साहिबा ये तो आपका काम है। बॉस आज हॉलीडे है, रेस्टोरेंट में जगह मिलना काफी मुश्किल है। वो कहता है कि ओके तो फिर तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे कुकिंग करो। बॉस मैं तो टेरेबल कुक हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो पकाओगी वो खा लूंगा। ना जाते हुए भी बायली को जिनशिन के साथ जाना पड़ता है। कैसा अजीब बनता है, डिनर तो उसे कराना चाहिए था, पर यहाँ तो बेचारी बायली उसके लिए सब कुछ बनाती है। एक बात तो है, वो ये कि जिनशिन डिस्टर्ब तो हुआ है, प्यार की फीलिंग्स उसके अंदर घुस चुकी हैं। बायली का भी यही हाल है। लगता है कि ये दोनों होश में नहीं हैं, तभी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जिनशिन उससे कहता है कि ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे ऑफिस जाना होगा, और हाँ खाने के बाद टेबल और बर्तन साफ करके फिर जाना, ओके। जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे भी उसका ध्यान नहीं लग रहा, इसी वजह से वो घर की तरफ निकल पड़ता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि कोई है जो जिनशिन के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे मुसलसल फॉलो कर रहा है। ये कौन है, क्या चाहता है, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद बायली सोचती है कि मैं ये सब साफ क्यों करूं, वैसे भी 12 बजने के बाद टाइम रिवर्स हो जाएगा। अरे वाह फॉर्म तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आ गया खड़ूस का फोन। तुम क्या कर रही हो, वो पूछती है कि बॉस क्या घर में कैमरे लगे हुए हैं, मैं बस जाने ही वाली हूँ। वो कहता है कि नहीं मेरे आने से पहले मत जाओ। 12 बज गए, टाइम रीसेट हो गया, फिर से वही दिन। बायली खुद से कहती है कि मैं रिजाइन तो नहीं कर पा रही, क्यों ना मैं लाइफ को एंजॉय करूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सर जी मेरे गले में काफी दर्द है, फ्लू भी है, मैं आज नहीं आ सकती। ये हुई ना बात, आज पूरा दिन मैं मस्त लाइफ जीऊंगी
और वैसे भी जो पैसे मैं आज खर्च करूंगी वो कल मुझे वापस मिल जाएंगे, फिर क्यों कंजूसी करूं। दूसरी तरफ लगता है कि इस भाई साहब का टाइम रिसेट नहीं हुआ, उसे तो हर जगह बायली ही दिखाई दे रही है। अरे भाई साहब, यही तो प्यार की पहली निशानी है, बायली के बगैर उसे मज़ा नहीं आ रहा, वो बोर हो रहा है। वो कहने लगता है कि कल मीटिंग है, क्यों ना मैं उसके घर जाके उसे डॉक्यूमेंट्स ले लूं। दूसरी तरफ बायली ने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, कोई चीज रह तो नहीं गई, मेरी फेवरेट बबल टी आने ही वाली होगी, तब तक ये सब खा लेती हूँ। तभी डोर नोक होता है, वो कहती है कि आ गया मेरा बबल टी आ गया। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे जोर का झटका लगता है, ओ नो, ये कहाँ से आ गया, दरवाजा बंद। जिनशिन सोचता है कि पगली शर्मा रही है, तैयार हो के अब ये बाहर आएगी, बायली की किस्मत खराब है, सारा खाना वो टेबल के नीचे छुपा देती है। जिनशिन कहता है कि इतना भी तैयार होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से दरवाजा खोलो। वो पूछती है कि सर जी कैसे आना हुआ। वो उसे उठा लेता है और बेड पे लेटा देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आराम करो। ओ, अब मैं समझा, ब्रेकअप के बाद तुम्हारा ये हाल है, जो हो गया उसे डस्टबिन में डाल दो, रुको मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। वो सोचती है कि ये खड़ूस कब से अच्छा इंसान बन गया, मुंह खोलो इसे खाओ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। वो सोचती है कि सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो कहता है कि रुको मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, आइडिया, मौका अच्छा है, इसे वॉशरूम में ही लॉक कर देती हूँ। वो कहता है कि ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। वो कहती है कि बॉस इसका लॉक टूट गया है। वो कहता है कि जल्दी से किसी को बुलाओ, मुझे मीटिंग में जाना है। बायली खुश हो के खाने पे टूट पड़ती है, पर वॉशरूम में मौजूद भाई साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत हो गया, मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। खुशकिस्मती से डोर ओपन हो जाता है, पर बायली ने सब कुछ हजम कर लिया। जिन्होंने उसे दवाई दे के कहता है कि जल्दी से ठीक हो के काम पे लग जाओ। ओ, गड़बड़ हो गई, इसे तो सब पता चल गया, फिर क्या। वो उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है। बायली सोचती है कि मैंने झूठ बोला, अब तो मुझे ये जरूर निकाल देगा। चूचू मूचू बायली से कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो यही ऑफिस में ही डिनर कर लेते हैं। वो कहती है कि ओके डन। जिनशिन उससे कहता है कि जो भी ऑफिस में रोमांस करेगा मैं उसे फायर करूंगा। ये सुन के बायली बड़ी खुश होती है और सोचती है कि मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम मुझे निकाल दो। डिनर का टाइम हो गया। ओ, तुमने ये सब मेरे लिए मंगवाया है, मैं उसका खून चलाती हूँ। ओ, यू आर सो क्यूट डार्लिंग, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। जब ये सब जिनशिन देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पे आके उससे कहता है कि हटो, दूर जाके बैठो, आज मेरा मूड कुछ अच्छा है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ डिनर कर रहा हूँ। भाली सोचती है कि रुक साले, तेरा मूड अभी खराब करती हूँ। डार्लिंग तुम मुझे खाना खिलाओ ना, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, हम कहीं बाहर चलें। ये बात सुन के जिनशिन और भी ज्यादा जालस होता है और चूचू मूचू से कहता है कि लड़के जाके मेरे लिए कॉफी लेके आओ। भाई उससे कहती है कि बॉस मैंने आपका रूल तोड़ दिया, अब तुम तो मुझे निकाल दे। वो कहता है कि कौन सा रूल, मुझे तो याद नहीं। जिनशिन ने बायली को चूचू मूचू के साथ डिनर करने नहीं दिया, वो उसे अपने साथ ले जाता है। बायली सोचती है कि आज भी मैं रिजाइन नहीं कर पाई, 12 बज गए, टाइम रीसेट हो गया, आखिर मैं इस टाइम ट्रेवल के चक्कर को कैसे खत्म करूं, आइडिया। जिनशिन अपनी मॉम की हर बात मानता है, अगर उसकी मॉम मुझे ना पसंद करे तो वो खुद ही मुझे निकाल देगा, यस ये प्लान जरूर काम करेगा। चूचू मूचू फिर से उसे डिनर के लिए पूछता है, पर वो उससे कहती है कि
सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। जिया जिनशिन को मूवी के लिए इनवाइट करने वाली है पर बायली हरगिज नहीं चाहती कि वो उसके साथ जाए, इसी वजह से वो उन दोनों को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करती है पर नाकाम होती है और सोचती है कि आज का दिन भी गया, जिनशिन उसके साथ ज़रूर जाएगा। ये क्या, मैं उसका नाम क्यों लिख रही हूँ? नहीं नहीं मैं थकी हुई हूँ तभी ऐसा हो रहा है। जिनशिन आता है और उससे कहता है कि मुझे घर ले चलो। बायली यही तो चाहती थी, वो कहती है कि ओके बॉस अभी जाके कार रेडी करती हूँ। जब वो ऑफिस से नीचे आता है तो बायली की ड्रेसिंग देख बड़ा ही हैरान होता है और उससे पूछता है कि किस खुशी में तैयार हुई हो। वो उसे कहती है कि बॉस आज वैलेंटाइंस डे है। ये सुन के जिनशिन सोचता है कि ज़रूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है तभी तो इतनी तैयार हुई है। पर वो उसे कहती है कि बॉस आज मैं ओवर टाइम करूँगी, आपके साथ रहूँगी। ये सुन के जिनशिन सोचता है कि ओ अब मैं समझा, ये मेरे लिए तैयार हुई है। प्लान के मुताबिक घर पहुंच के बाली जिनशिन की मॉम से कहती है कि इसे पकड़ो और जल्दी से मुझे पानी ला के दो, वो भी ठंडा वाला। ये देखें जिनशिन मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, ये ज्वेलरी उसने कल ही दी है। क्या आपको पता है मेरे 5 बॉयफ्रेंड्स हैं, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक नेपाल, एक बांग्लादेश और आखिरी वाला मुझे याद नहीं है। ये देखो उनकी पिक्चर्स, अगर ऐसे ही वो मुझ पे खर्चा करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो सड़क किनारे बैठ के भीख मांग रहा होगा। बायली अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह जिनशिन की मॉम को गुस्सा दिलाए ताकि उसकी जान छूटे। मॉम 2 मिलियन दे दो मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी। वो उससे कहती है कि मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हो, तुमने अभी कहा कि जिनशिन मेरा बेटा है, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है। तभी जिनशिन आके बताता है कि मेरी मॉम 20 साल पहले ही मर गई थी, ये मेरा ख्याल रखती हैं। ओ नो ये प्लान भी फ्लॉप हुआ, आज का दिन भी गया। बायली इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पी के फुल टल्ली हो जाती है और जिनशिन के बेहद पास आती है। वो सोचता है कि ये मुझे आई लव यू बोलने वाली है पर बायली उसे थप्पड़ मार के कहती है कि मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते, मैं अब तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, मैं कब से रिज़ाइन का बोल रही हूँ, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, तुम्हारी सेक्रेटरी बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार डिसीजन था, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बायली की बातें सुन के जिनशिन सोचता है कि क्या ये मुझसे इतनी नफरत करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूचू मोचू जितना दिखने में शरीफ लगता है उतना है नहीं, उसका और उसके डैड का कोई हिडन एजेंडा है। दूसरी तरफ जिनशिन बायली को उसके घर ड्रॉप करता है। बायली जब फाइल में मौजूद लेटर देखती है तो उसे ये बात पता चलती है कि जिनशिन ने उसका रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट कर लिया है। वो खुश तो होती है पर तभी एलिवेटर में गड़बड़ हो जाती है, वो फंस जाती है और चिल्लाने लगती है। जिनशिन उसकी आवाज़ सुन लेता है, वो नहीं चाहता कि बायली को कुछ हो। वो एलिवेटर का डोर ओपन करके बायली को वहाँ से बाहर निकालता है लेकिन वो खुद एलिवेटर में फंस जाता है। बायली उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है पर तभी एलिवेटर क्रैश होता है, इसी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड होता है। डॉक्टर बताता है कि इसकी कंडीशन सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। बायली कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान क्यों बचाई, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। 12 बजने वाले हैं। बायली सोचती है कि अगर मैं रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ दूं तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, वो ऐसा तो करती है पर तभी उसे पता चलता है कि जिनशिन ने रेजिग्नेशन लेटर पहले से अपलोड कर दिया था, मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये जान के बायली रोने लगती है, सब कुछ ख़त्म हो गया, उसने मेरी जान बचाई, मुझे उससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। देर से ही सही लेकिन बायली को आखिरकार एहसास तो हुआ कि वो गलत थी।
खुशकिस्मती से टाइम लूप ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वायली उठती है तो उसे जिनशिन की कॉल आती है, मतलब कि वो ठीक है, ये जान के वो खुश होती है। टाइम बार बार रीसेट होने की वजह से अब जिनशिन को सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसके साथ हुई थी, पर वो समझने लगता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है, पर वो इस बात को पॉजिटिव लेता है और सोचता है कि जरूर खुदा ने उसे दुनिया को बचाने के लिए चुना है। एक रात जब वो बायली को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है तो बाद में उसे वही एलिवेटर क्रैश वाला सीन याद आता है जिसमें उसने बायली की जान बचाई थी। फिर से ऐसा ना हो इसी वजह से वो वापस जाके बायली को एलिवेटर में जाने से रोकता है। बायली भी उसे यही बोलती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये दोनों टाइम लूप में फंस गए हैं। एक खतरनाक बात और वो ये कि कोई है जो जिनशिन को मारना चाहता है, तभी तो बार बार एलिवेटर क्रैश हो रहा है। जब ये बात बायली जिनशिन को बताती है तो वो कहने लगता है कि अगर हमें इस टाइम लूप को एंड करना है तो उस पर्सन को पकड़ना होगा। वैसे मैं तो सबका पसंदीदा बंदा हूँ, मुझे भला कौन मारना चाहता है, ये बात समझ नहीं आ रही। बायली कहती है कि बॉस, आपके करतूतों के हिसाब से बहुत से लोग होंगे जो आपको मारना चाहते हैं। हो गई बेइज्जती। मिशन खूनी पकड़ो शुरू हो गया है। जिनशिन और बायली ऑफिस में एक जगह छुप के बैठ जाते हैं ताकि देख सकें कि आखिर खूनी कौन है। ये मोटू, मैंने इससे कॉफी छीनी थी ताकि ये और मोटा ना हो, जरूर ये मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। बायली कहती है कि कुछ बड़ा सोचो। तो फिर जरूर ये दोनों चंकू मंकू मुझे मारना चाहते हैं, मैं इन पे गुस्सा हुआ था और इन्हें घर जाने नहीं दिया था। बायली कहती है कि बॉस कुछ बड़ा सोचो, मुझे तो लगता है कि तुमने जो सलूक इनके साथ किया है उस हिसाब से ये सब तुम्हारे जान के पीछे है। जिनशिन कहता है कि ओ अच्छा, अब मैं समझा, तुम मुझसे नफरत करती थी, कहीं तुम तो मुझे टपकाना नहीं चाहती। वो कहती है कि अबे गधे, मैंने दो बार तेरी जान बचाई है। काफी कोशिश के बाद भी खूनी उनके हाथ नहीं लगता, जिसके बाद जिनशिन एक प्लान बनाता है और बायली से कहता है कि मैं एलिवेटर के अंदर जा रहा हूँ, वो ज़रूर कुछ करेगा, तुम उस पर नज़र रखना। पर तभी हम देखते हैं कि किसी ने बायली को किडनैप कर लिया है। जब जिनशिन को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए बायली के पास पहुँचता है। मास्क मैन उससे कहता है कि पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, पर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो जिनशिन को बेरहमी से मारने लगता है। बायली खुद को छुड़ा लेती है और सही टाइम पे उसके फेस से मास्क उतार देती है। अरे नहीं, ये तो मिस्टर जेंग है जो कि जिनशिन के कंपनी में ही गार्ड की जॉब कर रहा है। ये बंदा शुरू से ही जिनशिन को मारना चाहता था। चूचू मूचू के अब्बा मूचू लूचू दो नंबर इंसान हैं, शायद बिट को जीतने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। जिनशिन उससे कहता है कि सुधर जाओ वरना मैं तुम पे केस ठोक दूंगा। ये सुन के वो अपने बंदे से कहते हैं कि जेंग को बोलो कि प्लान कैंसिल करे। खूनी पकड़ा गया, टाइम लूप ख़त्म होने वाला है, मगर इससे पहले हमें इंजॉय करना चाहिए। ये बात जिनशिन बायली से कहता है। फिर क्या, दोनों वही करने लगते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। वो उससे पूछता है कि फिर तुमने मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन की। वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि जीनियस प्रोग्रामर कैसे अपनी कंपनी चलाएगा। वो कहता है कि तो फिर तुमने क्या देखा। वो कहती है कि हाँ, मैंने देखा कि तुम वाकई में ग्रेट हो, पर एक नंबर के कमीने भी हो। क्या बोल रही हो बॉस, नाराज मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। दोनों एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। लेकिन जब ये दोनों अगली सुबह नींद से उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टाइम लूप तो ख़त्म नहीं हुआ। ओ नो, अब क्या करें। दोनों यही सोच रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है,
पर बुरी बात ये है कि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। जिनशिन बाली को शावर नल ठीक करने के बहाने अपने घर बुलाता है। बाली को लग रहा है कि जिनशिन अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करने वाला है, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। वो कहती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो रूफ पे चली जाती है, पर जब वो वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स देखती है तो फाइनली उसे पता चल ही जाता है कि जिनशिन उससे ही प्यार करता है। वो आता है और अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। इसी वजह से तो ये दोनों टाइम लूप में फंसे हुए थे। दरअसल बात ये है कि जिनशिन हर रात 12 बजे बाली को कॉल करके अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता था, पर टाइम लूप की वजह से वो हर बार नाकाम होता था। और जब उसने अपने दिल की बात बोल दी तो टाइम लूप भी खत्म हो गया। ना चूचू मूचू बाइली को पटा पाया और ना ही जिया जिनशिन को पटा पाई। इन दोनों का दिल तो टूट सा गया है। बहरहाल दोनों खुश हैं, हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।